इस युग में तुलसी समान तुम, धर्म चक्रवर्ती महान तुम। मेरी झोपड़ी के बागे आज फूले जाएंगे, नाम आएंगे नमो राघवाय, ओम नमो गिरधराय। आज हम अयोध्या, जिसे प्रभु श्री राम की नगरी कहा जाता है, यहाँ पर पधारे हैं। आप देख सकते हैं कि तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य के 75वें जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव के तहत यहाँ पर विभिन्न तरीके के आयोजन हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि अपने 1008 कुंडिया यहाँ, मैं मेरे कैमरामैन सुमेश शर्मा से निवेदन करूँगा कि वह मेरे पीछे जो 1008 कुंडिया यहाँ का आयोजन किया जा रहा है, वह दर्शकों को कैमरे की नज़र से दिखाने का प्रयास करें। माननीय प्रधानमंत्री सहित कई राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दिग्गज संत भी अपनी उपस्थिति देंगे। आवाज न्यूज के लिए अयोध्या से सुमेश शर्मा कैमरामैन के साथ मनीष कौशिक की रिपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह अयोध्या के बाहर भी राज्यों की राष्ट्रीय परीक्षा की जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अयोध्या में 9 दिवसीय अमृत महोत्सव का आगाज हो चुका है। इस अमृत महोत्सव में प्रतिदिन फिल्मी हस्तियां, कई राजनेता, गायकार, संगीतकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज भारत भूषण अवार्ड से जिन्हें हाल ही में अभी नवाजा गया है, सोमेश्वर नारायण शर्मा, जिन्होंने स्वामी नारायण रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के 75वें जन्मोत्सव पर उन्हें एक भजन अर्पित किया है। सोमेश्वर नारायण शर्मा से हम उनके भजन के बारे में जानते हैं कि क्या है उनका भजन। हम यहाँ पर आए थे अयोध्या में, हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, जो हमारे पूज्य गुरु जी हैं, उनका 75वां अवतरण दिवस था। और हम लोगों को यहाँ पर आके जो प्यार मिला है, जो मोहब्बत मिली है अयोध्या वासियों से और अयोध्या के लिए, वो बहुत ही हमारा एक भाग्य ऐसा खुल गया है कि यहाँ पे इतनी पावन भूमि पर हम जो पधारे हैं, यहाँ पर सभी लोग आए हैं, वो यहाँ के पावन धरती में ही अपने आप ही वो बात है, जहाँ पे सब यहाँ पर आके राममयी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सीताराम का जो पूरे दिन जो चलता रहता है, उससे जो मन को बहुत ही शांति मिलती है। और हमारा जो भजन था ओम नमो राघवाय, जो हमारे पूज्य गुरु जी जगत गुरु रामानंदाचार्य भद्राचार्य जी के लिए जो हमने बनाया था, वो यहाँ पर चलाया गया, उसके लिए हमें बहुत खुशी है। भजन की दो लाइनें सुनाई थी जी, वो कुछ भजन ऐसा था, ओम नमो राघवाय, ओम नमो गिरधराय। इस युग में तुलसी समान तुम, धर्म चक्रवर्ती महान तुम। प्रज्ञा चक्षु है प्रातः स्मरणीय, दयावान तुम, ज्ञानवान तुम। ओम नमो राघवाय, ओम नमो गिरधराय। आपको बता दें कि सोमेश्वर नारायण शर्मा ने इस अमृत महोत्सव में अपनी कई रचनाएं भी प्रस्तुत की है, और उन्होंने है एक नमो राघवाय नमः अपना गीत स्वामी रामानंदाचार्य जगत गुरु। अयोध्या में 2 दिवसीय अमृत महोत्सव का आगाज हो चुका है। अब हम 1008 यज्ञ जो प्रारंभ हो चुका है, उसके बाहर खड़े हैं। यहाँ पर लोग भी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें
धर्म योद्धा का नाम दिया गया है। केशव कौशिक जी उनसे जानेंगे कि यहाँ अमृत महोत्सव के तहत क्या क्या कार्यक्रम होंगे और कौन कौन यहाँ पर विशेष रूप से आमंत्रित है। आवाज न्यूज के लिए अयोध्या से मनीष कौशिक की रिपोर्ट।